नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कह रहा है कि आपके बहुत सारे काम इस सप्ताह में बनेंगे। मेंटली फिजिकली आप ठीक रहेंगे, आपका मन भी ठीक होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। धन का मामला पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है और करियर की स्थिति भी कुल मिला के आपके लिए ठीक बनी हुई है। परिवार में जो बेवजह के तनाव और चिंता की स्थिति थी वो भी इस सप्ताह में आपके प्रयासों से हल हो जाएगी। थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। सावधानी सप्ताह की सिर्फ एक है कि सप्ताह के अंत में चोट चपेट से बचिएगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा और घर में काम करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताएं चली आ रही हैं कुछ दिनों से और वो इस सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही हैं। चिंता भी है, तनाव भी है, मन परेशान भी है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप बुद्धिमानी से चीजों को संभाल लेंगे, ठीक कर लेंगे। धन का मामला आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, उस तरफ से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं धन रुका है, फंसा है, कोशिश करके देखिए, धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले, प्रतियोगिता के मामले, कंपटीशन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए सफलता का अच्छा समय है। हो सकता है इस सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जाएं या आपको कोई शुभ सूचना मिले। तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें इस सप्ताह में ज़रूर हैं, लेकिन सप्ताह अंत तक आते आते बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार को करें तो बेहतर है। मिथुन राशि, धन की स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। एकदम से बहुत सारा पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेगुलरली पैसे आपके पास आते जाएंगे और आपके कर्जों की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अभी अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने स्वभाव पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और आपका स्वभाव सप्ताह के बीच में आपको परेशान कर सकता है और आपके क्रोध और आपके वाणी की वजह से रिश्तों को लेके दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा उसका ध्यान बनाए रखिएगा। स्थान परिवर्तन का समय काफ़ी समय से मिथुन वालों का चल रहा है और ये समय अभी कुछ दिन और चलेगा। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय कोशिश करके देखिए, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इस सप्ताह में आपको बहुत सारी सफलताएं मिलती दिखाई दे रही हैं। आपका बहुत समय से रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम इस सप्ताह में पूरा होगा और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या करियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का मामला अभी थोड़ा सेंसिटिव बना हुआ है, इसलिए परिवार में बेवजह की अशांति ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, थोड़ा सा इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में आपका कोई महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन सकता है, तो सप्ताह की शुरुआत में प्रयास करके देखें और अंत में प्रयास करके देखें, उसमें आपको फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है,
मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ये सप्ताह शुरू होगा आपकी मानसिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर और परिवार की स्थिति ठीक बनी रहेगी। इस समय आपके करियर में इंटरनली आंतरिक रूप से कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है और अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन का मामला इस सप्ताह में अच्छा है, उसमें कुछ बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ एक बड़ी सावधानी का ध्यान रखिए, अगर इस सप्ताह में किसी यात्रा में जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखना जरूरी है। सप्ताह के अंत में विशेष रूप से यात्राओं में सावधानी रखिएगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। कन्या राशि, इस सप्ताह की शुरुआत से काम का प्रेशर बहुत रहेगा आपके ऊपर और इस चक्कर में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह में विशेष सावधानी आपको बनाए रखनी है। जहां तक धन का मामला है, जहां तक करियर का मामला है, ये मामला आपके लिए कुल मिला जुला कर ठीक रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम काफी समय से रुक रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। इस सप्ताह के अंत तक आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तुला राशि, ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारी व्यस्तताएं दिखा रहा है। इस सप्ताह में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, हालांकि व्यस्तता से आपको फायदा होगा, निरंतर इससे आपके पास धन आता रहेगा, यानी व्यस्तता लाभकारी होगी। लेकिन सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचें और परिवार को लेकर के किसी तरह की चिंता ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। देखिए, करियर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं, इसीलिए करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा इस समय, वरना परिणाम गंभीर होंगे। सप्ताह के अंत में कोई छोटी लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह कह रहा है कि इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत होगा, काम की अधिकता काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि धन और संपत्ति के लाभ के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह काम में तेजी आएगी और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। थोड़ा सा ध्यान अपने खान पान का रखिएगा, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ से बचने का प्रयास करिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। और ये समय कह रहा है कि जीवन में व्यस्तता तो होगी लेकिन लाभकारी होगी और सप्ताह के अंत में करियर में कोई बड़ा परिवर्तन भी आपके लिए जरूर हो सकता है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए क्योंकि आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बनेंगे। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी लेकिन उससे आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी जरूर होगा। धन, करियर और कारोबार की स्थिति में लगातार सुधार होता आपके जीवन में चला जाएगा और इस समय आप तैयार हो जाएं क्योंकि जिस समय से आप गुजर रहे हैं
आने वाले कुछ दिनों में या इस सप्ताह से शुरुआत हो सकती है आपके चेंज ऑफ प्लेस की, आपके स्थान परिवर्तन की। तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, उसके लिए तैयार रहिए। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है लेकिन फायदेमंद है। सप्ताह के अंत में चोर चपेट और दुर्घटनाओं को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत अवश्य है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेके बहुत सतर्क रहिए क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। करियर के मामलों में और पारिवारिक मामलों में सप्ताह की शुरुआत में तनाव भी दिखाई दे रहा है। बुधवार से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी, काम का प्रेशर कम होगा, मन की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। राहत की बात यह है कि इस कठिन समय में भी आपके धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी और करियर को लेके जो चिंताएं, जो परेशानियां चली आ रही हैं वो इस सप्ताह के अंत तक आते आते ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिला के कहना यह है कि आपको बेवजह का तनाव नहीं पालना है और अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह में सतर्क रहना है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन के लाभ की स्थिति बन रही है। हालांकि देखिए, काम का प्रेशर है और ये बात आप जानते होंगे, काम का प्रेशर बहुत है, आराम में कमी है, जिस वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय अगर जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती मत कर दीजिएगा। धन का मामला आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बना हुआ है और अगर करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं सप्ताह के अंत तक रुकिए, इसके बाद बड़े परिवर्तन का निर्णय आप जरूर ले सकते हैं। तो कुंभ वाले, एक तरफ काम का प्रेशर कम करें, दूसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए सफलता के संकेत अच्छे हैं। सफलताएं, छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी और लगभग हर काम में मिलेंगी। धन का लाभ भी होगा और धन की स्थिति बेहतर होगा, बेहतर दिखाई देती है। देखिए, आपके करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं इस समय कोशिश करिए, लेकिन याद रखिए कि करियर में परिवर्तन के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। अगर कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं, नई पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि देखिए, मानव के जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं, उनको लेकर के हाइपर मत होइए, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। बाकी मीन वालों के जीवन में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है और अगर कोई मुश्किल है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।